स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CS इंस्ट्रक्टर में। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस फिफ्थ सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि 2020 ऑड में पूछे गए हैं, जस्ट प्रीवियस ईयर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर इज, सॉफ्टवेयर क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है सुपर सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ऑप्शन बी है सब सेट ऑफ प्रोग्राम, ऑप्शन सी है सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स का समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच फैक्टर इज मोस्ट क्रूशियल, यानी जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो कौन सा फैक्टर जो है काफ़ी क्रूशियल माना जाता है? ऑप्शन ए है पीपल, ऑप्शन बी है प्रोडक्ट, ऑप्शन सी है प्रोसेस, और ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी पीपल, यानी जो यूजर होगा, जो इसको यूज करेगा, वो फैक्टर को जानना काफ़ी क्रूशियल माना जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के समय। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, प्रोग्राम इज, प्रोग्राम क्या है? ऑप्शन ए है सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है सबर सेट ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो प्रोग्राम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर। सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर इज नॉन एज प्रोग्राम्स, ये भी इसका एक तरह का डेफिनेशन है। या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भी प्रोग्राम कह सकते हैं, या सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले जो हम लोग प्रोग्राम को सेट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, सॉफ्टवेयर कंजिस्ट ऑफ, यानी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या कंसिस्ट रहता है? ऑप्शन ए है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का समूह और साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी है प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, ऑप्शन सी है प्रोग्राम प्लस हार्डवेयर एंड मैनुअल्स, और ऑप्शन डी है सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। प्रोग्राम्स भी रहेगा, डॉक्यूमेंट जो उसका एक क्या रहेगा वो, और ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर भी, सारा प्रक्रिया जो होगा वो भी रहेगा, तो वो कहलाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारा चीज रहता है। क्वेश्चन नंबर फाइव काफी इजी क्वेश्चन है, एस डी एल सी स्टैंड्स फॉर। तो एस डी एल सी का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, नहीं पता है तो इसको सारा ऑप्शन पढ़ना नहीं है। इसका होता है ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवन, एस आर एस स्टैंड्स फॉर, एस आर एस का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सॉल्यूशन, ऑप्शन सी है सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका क्या होगा? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अगर आपने फोर्थ सेमेस्टर में सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन पढ़ा होगा तो वहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच फेस इज नॉट अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो एक चक्र है, लाइफ साइकिल है, उसमें कौन सा फेस नहीं आता है? ऑप्शन ए है कोडिंग, ऑप्शन बी है डिजाइन, ऑप्शन सी है स्पेसिफिकेशन, और ऑप्शन डी है एब्स्ट्रैक्शन। तो कोडिंग तो आता है, डिजाइन भी आता है, स्पेसिफिकेशन भी आता है, और हमारा जो है एब्स्ट्रैक्शन नहीं आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, विच इज नॉट ए सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, कारण निम्न में से कौन एक सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल नहीं है? ऑप्शन ए है वाटरफॉल मॉडल, ये तो है, स्पायरल मॉडल ये भी है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल ये भी है, और लास्ट जो है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ये जो है नहीं है। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 9, डीएफडी स्टैंड्स फॉर, डीएफटी का फुल फॉर्म, ये भी सिस्टम एनालिसिस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑप्शन ए है डेटा फ्लो डिजाइन, ऑप्शन बी है डिस्क्रिप्टिव फंक्शनल डिजाइन, ऑप्शन सी है डेटा फ्लो डायग्राम और ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, डेटा फ्लो डायग्राम। जिस तरह से फ्लो चार्ट आपने पढ़ा होगा सी लैंग्वेज में, उसी तरह से होता है आपका डीएफडी सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज ए नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड एसआरएस। एक अच्छे एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले हम लोग डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो उसका एक अच्छा गुण कौन नहीं है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है करेक्ट, बी है कंप्लीट, ऑप्शन सी कंसिस्टेंट और ऑप्शन डी है ब्रीफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ब्रीफ। यानी कोई भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है संक्षेप में नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कोकोमो मॉडल वाज डेवलप्ड इनिशियली बाय। कोकोमो मॉडल शुरू में किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए है बी डब्ल्यू बोहेम, ऑप्शन बी है ग्रेज रोथरमल, ऑप्शन सी है बी बेजियर और ऑप्शन डी है राजीव गुप्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है और वो है आपका ऑप्शन ए, बी डब्ल्यू बोहेम, बैरी बोहेम के नाम से जाना जाता है ये व्यक्ति जिसने कोकोमो मॉडल को डेवलप किया था। आप लोगों को कोकोमो मॉडल का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 12, एस्टिमेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट्स फॉर ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर इन कॉमन इज। अब हिंदी में इसको देख लीजिए, ऐसे नहीं है तो कह रहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रयास का आकलन ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर कोकोमो में क्या होता है। तो एफर्ट जो हम लोग लगाते हैं, प्रयास जो करते हैं, उसका आकलन कैसे किया जाता है, ये एक फॉर्मूला है। वैसे तो ये क्वेश्चन गेट एग्जाम का है। तो इसका जो ऑप्शन ए है इजकल टू 2.4 के लॉग 1.05 पीएम, ऑप्शन बी है इजकल टू 3.4 के लॉग 1.06 पीएम। तो के लॉग क्या होता है, किलो बाइट लाइन ऑफ कोड, या किलो लाइन ऑफ कोड भी कह सकते हैं इसको। ये मेजर करने का एक तरीका है एफर्ट को, प्रयास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, इजकल टू 2.4 केलॉग 1.05 पीएम। क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शन पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय। फंक्शन पॉइंट आपके सिलेबस में, उसका गणना कैसे किया जाता है, चार फॉर्मूला है। ऑप्शन ए है यू एफ पी गुना सी ए एफ, ऑप्शन बी है यू एफ पी गुना एफ ए सी, ऑप्शन सी है यू एफ पी गुना कॉस्ट और ऑप्शन डी है यू एफ पी गुना प्रोडक्टिविटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 13 का ऑप्शन ए, यू एफ पी गुना सी ए एफ। ये भी गेट एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज नॉट ए स्ट्रेटेजी फॉर डिजाइन। यानी डिजाइन का एक स्ट्रेटेजी नहीं है, बॉटम अप डिजाइन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी टॉप डाउन डिजाइन, ऑप्शन सी एम्बेडेड डिजाइन और ऑप्शन डी हाइब्रिड डिजाइन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, एम्बेडेड डिजाइन जो है एक डिजाइन का स्ट्रेटेजी नहीं है। टॉप बॉटम हाइब्रिड ये सब डिजाइन में आता है, लेकिन एम्बेडेड डिजाइन नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 15, सॉफ्टवेयर मिस्टेक्स ड्यूरिंग कोडिंग आर नॉन एज। यानी सॉफ्टवेयर में गलती कोडिंग के दौरान जो हम लोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है फेल्योर्स, ऑप्शन बी है डिफेक्ट, ऑप्शन सी है बग्स और ऑप्शन डी है एरर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसको बोला जाता है बग्स। क्या बोला जाता है, बग्स। क्वेश्चन नंबर 16, फंक्शनल टेस्टिंग इज ऑल्सो नॉन एज। फंक्शनल टेस्टिंग को हम लोग किस नाम से जानते हैं,
ऑप्शन ए है स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, ऑप्शन बी है बिहेवियरल टेस्टिंग, ऑप्शन सी है रिग्रेशन टेस्टिंग और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर बहुत सारा टेस्टिंग आता है, तो जो उसके कैटेगरी में आएगा उसी के नाम से हम लोग उसको जानेंगे। ये नहीं डिफाइन किया गया इसका दूसरा भी नाम होता, तो ये है इसका रिग्रेशन टेस्टिंग जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर ए फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस यील्ड्स। कह रहा है एन वेरिएबल के लिए जो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस देता है, तो चार केस दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 4n+3 टेस्ट केस, ऑप्शन बी है 4n+1 टेस्ट केस, ऑप्शन सी है n+4 टेस्ट केस और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी 4n+1 टेस्ट केस। काफ़ी ये फंक्शन जो है इंटरनल क्वेश्चन है, थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन है, डिप्लोमा से थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे। ए नोड विथ इन डिग्री इज इक्वल टू जीरो एंड द आउट डिग्री नोट इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड। करा ऐसा नोड जिसका इन डिग्री जीरो होना चाहिए और आउट डिग्री जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा उसको। ऑप्शन ए है सोर्स कोड, ऑप्शन बी है डेस्टिनेशन कोड, ऑप्शन सी है ट्रांसफर कोड और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सोर्स कोड के नाम से जाना जाता है। इन डिग्री बराबर होगा जीरो के और आउट डिग्री जीरो के बराबर नहीं होगा, तब इसे सोर्स कोड कहेंगे। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, एग्जाम में हेल्प होगा, अपकमिंग एग्जाम जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। क्वेश्चन नंबर 19, बीटा टेस्टिंग इज कैरेड आउट बाय। बीटा टेस्टिंग किस कौन करता है या किससे करवाया जाता है। ऑप्शन ए है यूजर्स, ऑप्शन बी है डेवलपर्स, ऑप्शन सी है टेस्टर्स और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। टेस्टिंग मतलब जांच परीक्षण होता है, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने का है, तो बीटा टेस्टिंग उसी में आता है। अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का टाइप्स है। तो पूछ रहा बीटा टेस्टिंग कौन करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यूजर या कस्टमर के नाम से जाना जाता है। आपको बताना अल्फा टेस्टिंग कौन करता है, इसका करेक्ट आंसर ए है, आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर इज बेसिकली, यानी टेस्टिंग जो होता है सॉफ्टवेयर का जांच वो बेसिकली क्या होता है। ऑप्शन ए है वेरिफिकेशन, ऑप्शन बी है वैलिडेशन, ऑप्शन सी है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन और ऑप्शन डी है नन। तो इसका जो होगा ऑप्शन सी राइट आंसर, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन बेसिकली एक तरह का टेस्टिंग माना जाएगा। अब वेरिफिकेशन क्या होता है और वैलिडेशन क्या होता है आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो लोग इस क्लास को ज्वाइन किए हैं उनको पता होगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव 4 नंबर वाला, उसको भी आपको देखना, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछेगा आप उसको एक बार रिवाइज कर लें। पहला, व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है। दूसरा है, व्हाट इज रिपल इफेक्ट, रिपल इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद अथवा में पूछ रहा है, इनको डिस्क्राइब कीजिए, फॉल्ट क्या होता है और फेल्योर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर फॉल्ट और फेल्योर को बताना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर का रख रखाव से आप क्या समझते हैं या क्या है बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। दो टेस्टिंग का क्वेश्चन आ गया, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा रिग्रेशन, तो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग से आप क्या समझते हैं वो बताइए। अगला क्वेश्चन है, मॉड्युलैरिटी क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है मॉड्युलैरिटी, जो कि आपने 4th में पढ़ा होगा। उसके बाद साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसको बताइए। व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, सॉफ्टवेयर का जो प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है उस समय क्या क्या एक्टिविटी होता है, गतिविधियाँ उसको बताइए। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन, तो ये दोनों डिजाइन का टाइप्स है, दोनों को बताना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन पॉइंट FP, मॉड्युलैरिटी क्या होता है। अब ग्रुप सी में पूछ रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म रिक्वायरमेंट,
एलिकेशन, डिस्कस एनी टू टेक्निक्स इन डिटेल। यानी रिक्वायरमेंट एलिकेशन से आप क्या समझते हैं, कोई दो टेक्निक के बारे में पूछ रहा है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, डिस्कस जेनरिक वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल भी बताना और सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल को भी आपको डिस्क्राइब करना। अथवा में पूछ रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, करें कंसिडर द प्रॉब्लम रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम एंड डिजाइन द फॉलोइंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड यूज केस डायग्राम। दो चीज़ बनाना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो सर रेलवे का रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर है उसका, और यूज केस डायग्राम भी बनाना है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक टू बी कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ लाइफ साइकिल मॉडल, क्या क्या गुण है, विशेषता है उसको बताना। तो यही सब क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।